हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे आकलन पत्रक नंबर 3। इससे पहले के पत्रक, कार्यपत्रक और आकलन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमें इस कहानी को पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहाँ चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, चूहे ने शेर से क्या कहा। चूहे ने शेर से कहा कि आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। अगला, डर को हम और किस नाम से जानते हैं, भय। उपकार का दूसरा अर्थ भलाई। शेर जंगल का राजा है। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, चूहे, शूकर, लीमर, कुत्ते। ये सभी जानवर जो हैं ज़मीन को खोदने, किसी को काटने या कोई चीज़ फाड़ने के का काम करते हैं। अगला, शेर ने चूहे को धन्यवाद क्यों किया, क्योंकि चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया, इसलिए और शेर आज़ाद हो गया था। नीचे दिए गए शब्दों के सरल वाक्य बनाइए। अचानक मैं डर गया, मैं दो मात्राएं आएंगी। अगला, गुस्सा, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। शिकारी शिकार करने गया है। जाल, शेर जाल में फंस गया। अगला, बताइए कौन सा जानवर पालतू और कौन सा जंगली है जानवर है। लंगूर जंगली, बाघ जंगली, गेंडा जंगली, बकरी पालतू, भैंस पालतू। तो इस तरह से आपका ये आकलन पत्रक समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।